अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आलू का पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। ये पोटैटो मैंने बॉयल किए हैं, 1 kg बॉयल करके इनको छिलका उतार के इनको मैश कर लिया मैंने। इसके अंदर अब हम देखें फ्रेंड्स, 1 tablespoon ज़ीरा डालूँगी इसमें, साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। ये है सूखा धनिया पिसा हुआ, 2 tablespoon वो ऐड करूँगी। काली मिर्च 1 teaspoon पीसी हुई। ये है हल्दी 1/2 teaspoon, अजवाइन ये भी 1 teaspoon, कसूरी मेथी ये 2 tablespoon, ये दादर मिर्च है ये भी 2 tablespoon, नमक वो भी 2 tablespoon। ये सब ऐड करूँगी इसमें। फ्रेंड्स, ये धनिया पुदीना है, इसको मैंने कटिंग करके वॉश कर लिया था, ये भी इसमें ऐड करूँगी। ये प्याज बड़े साइज़ की एक मैंने ली थी, उसको छोटा छोटा मैंने काट लिया है, ये भी इसके अंदर ऐड करूँगी। सब्ज़ मिर्च ये 3 से 4 अदद मैंने लेके इसको पीस लिया है, ये भी ऐड करूँगी। अनारदाना 1 tablespoon, इसको भी बारीक पीस लिया है, ये भी ऐड करूँगी। अब फ्रेंड्स, इसको मैं हैंड से मिक्स करूँगी अच्छे से, ताकि सारे स्पाइसेस पोटैटो में मिक्स हो जाएं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी, आलू का पराठा आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 अदद पेड़े छोटे साइज़ के बना लिए हैं आटे के, ये देखिए। अब मैं इसको छोटी छोटी इसकी रोटी बेलूँगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसको आप चाय के साथ खाएं या आप इसको योगर्ट के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसकी इतने साइज़ की आपने बारीक रोटी बेलनी है। अब इसको मैं साइड पे करूँगी, दूसरी भी ऐसे ही बेलूंगी, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के थोड़ा डस्ट करके इसको बेक करें, वरना ये चिपक जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरी रोटी भी बेल लिया। अब मैं इसको इसके ऊपर पोटैटो की जो फिलिंग हमने बनाई थी मैं वो लगाऊंगी। ये देखिए, आप इस तरह फोक की मदद से आप इसको सब साइड से लगा लें। उसके ऊपर फ्रेंड आपने ये दूसरी जो मैंने रोटी बनाई थी
ये देखें इस तरह करके इसके ऊपर इसको कवर कर दें। ये देखिए सब तरफ से इसको जोड़ दें। अब इसको ऐसे उठाऊंगी, सूखे आटे में इसको ऐसे डस्ट करूंगी। फ्रेंड्स इसको मैं अब दोबारा से बेलूंगी। ये देखिए गोल रोटी सब तरफ से मैंने बना ली है। अब फ्रेंड्स इसको मैं तवे पे डालूंगी। फ्रेंड्स देखें तवा मैंने पहले से गर्म कर दिया था, उसको मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है। अब मैं तवे के ऊपर अपना आलू वाला पराठा डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। एक तरफ से कुक होगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह का जब इसका कलर होगा फिर इसको पलटेंगे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा कुक होने में, साइड से चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए एक साइड से कुक हो गया। अब इसको दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स चेक करते रहें। ये देखें इस तरह का होगा, जब तब हम इसको घी लगा के या ऑयल लगा लें आपकी मर्ज़ी है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालडा घी का यूज़ किया है मैंने। इसकी साइड चेंज करूँगी। इसमें ला रहा हूँ, ये देखिए अब घुमा घुमा के सब साइड से फ्रेंड इसको पका लूँगी। इसमें से पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स एक साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाए फिर मैं इसकी फिर से साइड चेंज करूंगी। देखिए कितना प्यारा आलू का पराठा हमारा रेडी हो रहा है। दूसरी साइड से भी कुक करके मैं इसको आपको डिश में सर्व करके दिखाती हूँ। घुमा घुमा के सब साइड से फ्रेंड इसको पका लें। चलिए फ्रेंड्स पोटैटो का पराठा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसको मैंने प्लेट में देखिए फ्रेंड्स आलू का पराठा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर डालूँगी, इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।